देखिए, जैसा आपको पता है 10 तारीख का ये मर्डर हुआ था, जिसमें हमने पहले साहिल गहलोत को गिरफ्तार किया था। इसमें काबिल तारीफ ये है कि ये केस ना कोई पहले इसमें मिसिंग रिपोर्ट थी, ना कोई मर्डर का केस था। हमारे जो सूत्र हैं, एक्चुअली दिल्ली देहात में हमारे कुछ सूत्र रहते हैं जो गैंगस्टर्स वगैरह की मूवमेंट को फॉलो करते हैं, तो उन्हीं में से एक सूत्र से हमें हवाले से खबर मिली थी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है और इस परिवार में जो ये शादी हुई है इसके पीछे कुछ घिनौना अपराध किया गया है। उसी पे काम करते हुए जब हमने साहिल को पूछताछ की थी और साहिल के जवाब में हमें संतोषजनक जवाब जब नहीं मिले थे, तो उसको जब गिरफ़्तार किया और उससे फिर ये बरामदगी हुई थी उसके ही खेत में। एक खाओ पियो ढाबा वो चलाता है खुद साहिल, मित्राओं गांव में, जो ढाबा अभी कुछ दिन से बंद पड़ा हुआ था। तो उस ढाबे के अंदर जो फ्रिज था उससे हमें मृतका की डेड बॉडी या शव मिला था। तो जब हमने इसकी 5 दिन की रिमांड ली तो ये काफ़ी पहले गुमराही करता रहा, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई और भी इसमें शामिल हो, अकेले ने ये सारा कार्य ना किया हो। तो हम उसको पूछताछ करते रहे और वो भी कहता रहा कि नहीं, मैं अकेला ही हूँ, ऐसा नहीं है। बट जब हमने उसकी लोकेशंस और वो सारी चीज़ें फुटेज वगैरह का एविडेंस निकाला, उसका रूट वगैरह निकाला, तब हमें लगा कि कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है और हमने उससे और गहन पूछताछ की। फाइनली उसमें 5 लोगों का और रोल अभी तक आया। अभी तक इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है कई बार कुछ और तथ्य आ जाते हैं, तो हो सकता है आगे कुछ और जानकारी मिले, लेकिन अभी तक का जो आ रहा है उसमें ये 5 लोगों का आया और 5 लोगों को कल रात में हमने गिरफ्तार किया है और उनकी पुलिस रिमांड ली है, जिसमें एक साहिल के पिता हैं वीरेंद्र और बाकी 2 कज़न हैं, एक मौसी का लड़का है नवीन और एक चाचा का लड़का है आशीष और 2 दोस्त हैं वहीं आसपास के ही, लोकेश और अमर। तो इन लोगों को हमने धारा 120 बी कॉन्स्पिरेसी, 201 एविडेंस मिटाना, 202 कानून को ना बताना और 212 हार्बरिंग ऑफ अक्यूज, उसको शेल्टर देना किसी अपराधी को, उस सब धाराओं में इनको गिरफ्तार किया है। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इनके। हमने जब इनसे पूछताछ की थी तो सामने हमने इनके साक्ष्य रख के पूछताछ की थी, और जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को पुख्ता सबूत मिले कि ये लोग साथ थे, तब इनकी गिरफ्तारी कल रात में डाली गई है। केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बारीकी से हो रही है, सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। फॉरेंसिक एविडेंस के लिए हमने क्राइम टीम, फॉरेंसिक टीम्स का भरपूर उपयोग किया है और जो भी साइंटिफिक एविडेंस जैसे CCTV फुटेज, CDR एनालिसिस और जो एग्जिबिट्स थे उनको अच्छे से उठा के फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। और मुझे लगता है कि हमारा प्रयास जो है वो सफल रहेगा कि हम एक अच्छा केस तैयार करें जिसमें जो ये अपराधी हैं जिन्होंने जघन्य अपराध किया उनको ठीक से सज़ा मिले। इसमें जो एक नई बात ये भी आई कि जो पहले चल रही थी कि एक लिव इन पार्टनर वाली बात चल रही थी कि ये लड़की जो डिसीज्ड है, मृतका है, इसका शायद लिव इन रिलेशनशिप था, लेकिन अब पूछताछ में और हमारे को साक्ष्य भी मिल गया है उसमें ये बात भी सामने आई कि इन्होंने 2020 1 अक्टूबर 2020 को एक आर्य समाज मंदिर है नवादा डेल्टा 1 ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे इन्होंने साहिल ने और मृतका जो है उनकी शादी हो गई थी, और शादीशुदा होने के बावजूद इसने फिर इसको रास्ते से हटाने के लिए इन लोगों ने ये प्लान बनाया और इसके घर वालों ने कहा कि नहीं, इससे नहीं। अब दूसरी लड़की, वो भी वहीं हरियाणा से थी, उससे शादी तय की। और ये भी बहुत ही घिनौना कृत्य इसलिए भी है कि 9 तारीख को सगाई हो रही है, उस दिन पूरा जश्न मनाया जा रहा है। 9 की रात को 1 बजे, लगभग 1 बजे ये उनके पास जा रहे हैं
उसके फ्लैट में जाता है जो हमारा मेन अक्यूज्ड है साहिल, 1 बजे से लगभग 6 बजे तक उसके साथ वहाँ रहता है बिंदापुर एरिया में, जैसा आपको पता ही है। और फिर वहाँ से इसको गुमराह करके कि घूमने जाएंगे, पहले इधर निज़ामुद्दीन और फिर आनंद विहार होते हुए और ISBT कश्मीरी गेट की तरफ, और फिर वहाँ निगमबोध घाट का जो डिस्क्लोज़र है और कुछ फुटेज भी है कि इसका भी कहना है कि वहाँ पे हत्या की जाती है। और फिर वहाँ से जब ये हत्या करके निकलता है तो उस समय इसके घर वाले की भाई बारात जानी है आज, और कुछ घर में आपको पता है वो हल्दी वल्दी तेल वेल की जो रस्में होती हैं उसके लिए इसकी सुबह से तलाश जारी थी कि कहाँ गायब हो गया। फिर ये लोग इसको ढूंढने निकलते हैं और 3-4 गाड़ियों में ढूंढने निकलते हैं कि वो कहाँ है। बीच में इसने फ़ोन भी ऑफ कर दिया था, तो ये इनको कहीं रास्ते में बुलाता है। तो उन 3-4 गाड़ियाँ जो ढूंढने निकली थी उसमें से एक गाड़ी में ये 4 लड़के थे जो गिरफ्तार हुए हैं, 2 कज़न और 2 दोस्त, वो बीच रास्ते में इसको मिलते हैं और वहाँ पे ये उनको सारी बात बताता है कि हाँ जैसा प्लान था वैसे मैंने कर लिया है। और फिर ये इसके साथ साथ आते हैं मित्राओं में, और मित्राओं में आके और ये लोग निगरानी रखते हैं कि ये बॉडी को अच्छे से वहाँ अंदर रख दे। और फिर ये सारे 5 उस गाड़ी को जो वेरना गाड़ी थी जिसमें बॉडी थी उसको वहीं छोड़ के, और फिर जो दूसरी गाड़ी थी नेक्सा जिसमें वो 4 लोग थे, ये सब फिर घर जाते हैं और फिर शादी में बारात वरात लेके निकल जाते हैं, और फिर शादी भी बड़े धूमधाम से अपना करके आते हैं। और उसके फिर 1-2 दिन में, जैसा मैंने पहले बताया, हमारे को सूचना मिलती है और हमने इस पूरे केस का खुलासा किया। तो अभी तक की ये तफ्तीश है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चंस का स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। कुछ तथ्य कुछ साक्ष्य हम जुटा चुके हैं, कुछ साक्ष्य के प्रति अभी हमारी टीम काम कर रही है, और जैसा मैंने आपको कहा कि कोई कमी दिल्ली पुलिस नहीं छोड़ रही है कि इस केस की बहुत ही अच्छी तफ्तीश हो, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो और कोर्ट में हम इसको अच्छे से पेश कर सकें एक पेशावर प्रोफेशनल ढंग से। सर, 2020 में शादी जो हुई थी तो क्या साहिल के घर वाले भी गए थे उसमें? नहीं, उसमें शामिल नहीं हुए थे सर, लेकिन उनकी संज्ञान में आ गया। मर्डर, अपने फादर को मर्डर के बारे में कब बताया साहिल? हाँ, ये उसी समय घर आ गए गन लौटने के, ये तो पहले से ही प्लान था, घर आके बता दिया इन 4 लड़कों ने और इसने कि हमने ऐसा कर दिया। फिर ये लोग शादी करने निकल गए। अपनी मदर को या और लोगों को घर में? अभी देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि जो जो चीज़ें हमारे पास बिल्कुल पुख्ता हैं वो हमने अंजाम दे दिए, अगर कोई और पहलू आएगा तो उसको हम बाद में देख लें। सर, क्या लड़की घर वालों को पता था कि लड़की की शादी हो चुकी है उसकी बेटी की? देखिए, लड़की की जो बहन या फादर या वो लोग हैं उनको हमने 1-2 बार बुलाया था, लेकिन चूंकि वो बोले हम अभी सदमे में हैं तो हम बाद में आके बयान देंगे, तो अभी उनकी हमारा स्टेटमेंट अभी नहीं आया। उसमें कोई नई बात आएगी तो आगे हम इन्वेस्टिगेशन को उसी प्रकार से। हमने पिछले 3 दिन से बुला रखा है, लेकिन वो हर बार यही कहते हैं कि अभी थोड़ा हमको थोड़ा और टाइम दिया जाए, तो आएंगे, उनका स्टेटमेंट लेंगे और अगर उसमें कोई नई बात आई तो उसको हम नए सिरे से देख लेंगे। थैंक यू।